नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया अपडेट्स में तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको बताते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड के पिछले दो सालों से 4G नेटवर्क संचालित करने की अनुमति, जबकि BSNL के नेटवर्क को ही किराए पर लेकर जियो पिछले दो साल से 4G चला रहे हैं। अब 5G की तैयारी शुरू कर दी है। शहर से गाँव तक नेटवर्क का जाल बिछा होने के बावजूद भी लगातार अपेक्षा के कारण BSNL की पकड़ कमज़ोर पड़ गई। इसका फ़ायदा उठाने के लिए निजी कंपनियों ने अपना प्लान ही बदल दिया। मुफ्त में सिम और लाइफ टाइम तक सिम चलाने की प्रलोभन देने वाली कंपनियां अब ग्राहकों से हर महीने ₹35 वसूल लेंगी। BSNL व निजी कंपनियों की संचार सेवा पर रिपोर्ट। सरकार के इस रवैये को लेकर अब BSNL कर्मचारियों ने अगर हम बात करें तो BSNL जिनके टेलीफोन या ब्रॉडबैंड सुधार भी किए जा रहे हैं। अगर अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो कंपनियों BSNL को कमज़ोर कर अब ग्राहकों को लुभाने वाले ऑफ़र दिए जाने वाली निजी कंपनी आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन लेकर अन्य सभी कंपनियों ने ग्राहकों का पहला झटका लगा कर दे दिया है। फरवरी माह से ही कंपनियों ने इसकी वसूली कर दी थी। अब आपको बता दें कि BSNL और में आप स्विच कराना चाहते हैं तो बहुत सारी जो कंपनीज हैं, जैसे कि वोडाफोन, एयरटेल, जियो, ये कंपनीज के बहुत सारे यूज़र्स हैं जो काफ़ी जो दाम बढ़ने के कारण, यानी कि जो कुछ कंपनीज हैं 30%, कुछ ने 25% जो दाम बढ़ाएं, उससे बहुत सारे यूज़र्स जो हैं खफा हो चुके हैं, और वो खफा होने के कारण जो है वो BSNL में पोर्ट कराने की सोच रहे हैं। मिलते हैं नई वीडियो से, तक जानकारी से, तब तक जय हिंद।